हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको उस पेट पालों की समस्या को कैसे दूर करें उसके बारे में बताऊंगी। एक ज़माना था जब सफ़ेद बाल का मतलब बुढ़ापा होता था, लेकिन क्या हो जब केवल 13 या 15 की उम्र में ही बाल पकने लगे। आजकल बच्चे हों या फिर बूढ़े, सभी के बाल आपको सफ़ेद ही नज़र आएंगे। ऐसा कई कारणों की वजह से होता है। ज़्यादातर लोग इन्हें छिपाने के लिए तरह तरह के महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई खास असर नहीं आता। ऐसे में आपको घरेलू नुस्खे कई सारे साबित हुए हैं। आप जानना चाहते हैं कि मैं इसका हल कैसे करें, तो आप अगर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साइड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। आप घर में इस मगरी को कैसे तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले आप एक छोटा चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच ब्लैक टी, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी, 1 टुकड़ा अखरोट की शात, 1 छोटा चम्मच ब्रह्मी पाउडर, 1 छोटा चम्मच त्रिफला, 2 लीटर पानी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले किसी बड़े बर्तन में 2 लीटर पानी भर लें। अब ऐसे गैस पर चढ़ा दें। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच ब्लैक टी, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी का अखरोट की शाल, 1 छोटा चम्मच ब्रह्मी पाउडर, इन सबको इसमें डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अब गैस की आंच को कम करके करीब 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब गैस बंद कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसे छाननी की मदद से छान कर हेयर टाइट कंटेनर में डाल दें। इस पेस्ट को अपने बालों में अच्छे से लगा लें। इसे जड़ों में लगाना ना भूलें। करीब 30 मिनट तक ऐसे बालों में लगा रहने दें। फिर अपने बाल नॉर्मल शैम्पू से धो लें। इस पेस्ट का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार जरूर करें। हमारा सेकंड टिप है सफ़ेद बालों के लिए तेल। 5 चम्मच बादाम का तेल, नींबू के रस की कुछ बूंदे, 2-3 आंवला का रस। किसी भी बर्तन में 5 चम्मच बादाम का तेल, नींबू के रस की कुछ बूंदे और 2-3 चम्मच आंवला का रस डालें। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लें। इस तरह आपका सफ़ेद बालों के लिए घरेलू नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को अपने बालों और में अच्छी तरह लगा लें। करीब 30 मिनट बाद अपने बालों को धो लें। इस पेस्ट का इस्तेमाल दिन में 2 बार जरूर करें। आपको 1 महीने में ही असर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल कभी सफ़ेद ना हो, तो इसके लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। ऑयलिंग करना ना भूलें। बालों को पोषण देने के लिए तेल लगाना बेहद ज़रूरी है। इससे बालों को पोषण मिलता है। मार्केट में मिलने वाले हेयर केयर प्रोडक्ट में केमिकल पाया जाता है, इसलिए इनका कम इस्तेमाल करें। सफ़ेद बाल होने के पीछे यही भी एक कारण है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।